हेलो दोस्तों दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो है अमेज़न पे से संबंधित। दोस्तों आप अपने अमेज़न पे का उपयोग कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अमेज़न अकाउंट में। और इसमें आप जो अमेज़न जो यूपीआई है उसमें आप जो बैंक अकाउंट आपका लिंक है उसको आपको कैसे बदलना है, कैसे उसका पिन चेंज करना है और कैसे पासवर्ड चेंज करना है, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल हैकिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और कई बार हमारे पास बगैर कुछ किए भी ओपीटी आ रहा है बैलेंस चेक करने के लिए, जबकि हमने अमेज़न को चेक भी नहीं किया है और हमारे पास ओपीटी आ रहा है। तो दोस्तों इस पे ये वीडियो है, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने पर आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आपको हमारे चैनल ऑल टाइम लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मिलते हैं आपको नए नए वीडियो और नई नई जानकारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहले अपने अमेज़न को ओपन कर लें, अमेज़न ऐप को, और इसमें आपको अपने अमेज़न पे को ऑप्शन जो है उसको ओपन कर लें। ये ऑप्शन आपको दोस्तों ऊपर ही मिल जाएगा या आप सेटिंग में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर अमेज़न पे का जो ऑप्शन है इसको आप ओपन कर लें और अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन अमेज़न पे बैलेंस, पे लेटर और अमेज़न यूपीआई। तो दोस्तों हमें अपना जो अकाउंट चेंज करना है यूपीआई में अमेज़न में, तो वो कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी जो बैंक आपका लिंक है। अब दूसरा बैंक आप लिंक करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ऊपर जो बैंक दिख रहे हैं यहाँ पर SBI का बैंक है, इसके बाद से यहाँ थ्री डॉट है, जो यहाँ थ्री डॉट पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ पर हमें चेंज बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और चेंज UPI पिन का और फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन यहाँ पर है, तो हम चेंज बैंक अकाउंट पर करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर अब बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, जो जौन सा भी आपको बैंक अपना आपका दूसरा बैंक है कोई, आप उसको इसमें ऐड करना चाहते हैं अलग से वो, तो मैंने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा ये इसमें कंफर्म हो गया है और इसके बाद सब दोस्तों यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इसको, यहाँ से इसको यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पेटीएम अकाउंट इसमें चेंज हो गया, ऐड हो गया इसमें, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इस तरह से आप अपने अमेज़न पे में बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं दोस्तों और अपना पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो बताएँ कैसा लगा आपको, और देखते रहे सीखते रहे ऑल टाइम लर्निंग। और वीडियो देखने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।